फिल्मी जगत के ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सभी को अपना दीवाना बना लिया था। इन्हीं में से एक रहे हैं नकुल कपूर। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म तो आपने देखी ही हो। इस फिल्म के लीड एक्टर नकुल का चेहरा आज भी सभी के जहन में रचा बसा है। क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग को छोड़ अब नकुल कौन सा काम कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बताते हैं कि एक्टिंग को छोड़ के अब नकुल कपूर ने योगा टीचर का काम शुरू किया है। नकुल ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में हो गई है मोहब्बत तुमसे एल्बम से की थी। साल 2001 में उन्होंने आजा मेरे यार फिल्म में काम किया था। साल 2002 में नकुल को फिल्म तुमसे अच्छा कौन है मिली। इस फिल्म ने रातों रात नकुल को सभी के दिलों में खास जगह बनवा दी। इस फिल्म में नकुल के ऑपोजिट किम शर्मा और आरती चावड़िया थी। अपने चॉकलेटी लुक से नकुल ने सभी को दीवाना बना दिया। आजकल लड़कियों ने नकुल की फैंस फॉलोइंग जबरदस्त रही। इस फिल्म के बाद अनुमान लगाया जाने लगा कि बॉलीवुड को उनका अगला सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। इस फिल्म के बाद ही नकुल को कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं मिले, लिहाजा वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। 2005 में उन्होंने एक टीवी सीरियल टर्मिनल सिटी में काम किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें किसी मुख्य किरदार के लिए नहीं चुना गया। आलम यह है कि नकुल को अब शायद ही कोई याद करता होगा। क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर नकुल कनाडा में योगा टीचर बन चुके हैं। नकुल विदेश में योग का महत्व सभी को बता रहे हैं। बॉलीवुड में काम करके नकुल ने खूब स्टारडम हासिल किया, लेकिन शायद स्टारडम वो संभाल नहीं पाए। फिल्मी जगत से नाता तोड़ने के बाद और योगा इंस्ट्रक्टर बनकर नकुल काफी खुश हैं। सूत्रों की माने तो नकुल का सपना था कि वो लोगों का योगा में रुझान खींच कर लाए। अपने इसी सपने को नकुल इन दिनों जी रहे हैं। नॉर्थ वेंकूल में नकुल का डिवाइन लाइट नाम से योगा सेंटर है। नकुल की आय का साधन भी यही प्रोजेक्ट है। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।